हाय गाइस, आज हमारा लेसन नंबर 7 एंड आज मैं आपसे फील्डिंग के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात करूंगा जो कि हमारा थ्रोइंग। अगर थ्रोइंग की मैं बात करूं तो थ्रोइंग में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक अच्छा थ्रो जिसको माना जाता है। पहला, उसके अंदर पावर होनी चाहिए, दूसरा एक्यूरेसी होनी चाहिए और तीसरा आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंजरी हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर, एक्यूरेसी और इंजरी फ्री रहना किस तरीके से होगा आज उसके बाद बात करेंगे। थ्रोइंग की क्या टेक्निक होती है आज उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना। थ्रोइंग के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है कि हमारा जो बेस है, जो हमारी जो लोअर बॉडी है बहुत स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू अपर बॉडी। तो हम अगर सोचे कि मैं खाली अपर बॉडी से थ्रो कर लूँ तो कभी भी उतनी पावर नहीं आ पाएगी। तो एक अच्छे थ्रो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी की पोजिशनिंग होना सही। तो बॉडी पोजिशनिंग की अगर बात करूँ तो सबसे पहला पार्ट आता है कि आपने सुना हो क्रिकेट इज अ साइड ऑन गेम, तो हमेशा थ्रो करते हुए आपको साइड ऑन होना है। साइड ऑन होने से क्या होगा, अगर आप फ्रंट ऑन है ऐसे कभी कोई थ्रो नहीं करता, आपने देखा होगा हमेशा थ्रो करने के लिए आपने बॉल जब पकड़ा तो हमेशा आप साइड ऑन पोजीशन में आते हैं, तो आपके शोल्डर घूम जाएंगे, आपके हिप्स पूरे इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो ये आपकी साइड ऑन पोजीशन है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको लो रहना है, आपका जो बॉडी है अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं तो आपने बॉल को पकड़ा तो आपको स्टेप लेके आगे आना है और इस पोजीशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहना है, आपका जो पैर है सामने डायरेक्शन की तरफ जाएगा जहाँ पे आपको थ्रो करना है, उसके साथ में आपका जो आगे वाला हाथ है ये भी आपके पूरे जहाँ पर आपको थ्रो करना है उस डायरेक्शन में खुलेगा। तो यानी जो आपका पैर और जो हाथ है दोनों जिस तरफ आपको थ्रो करना है उस तरफ जाना चाहिए। अब इसमें जो टो की पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि आप फील्डिंग करो तो उससे मैं ध्यान रखोगे आप फील्डिंग और मैं बिल्कुल इसको सीधा रख दूँ और इस तरीके से नहीं होता, तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बॉल को पकड़े एंड इसको आके टारगेट की तरफ पैर का आपका एंगल जाए नी का एंड हाथ उस तरफ खोले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो फ्रंट फुट की जो नी है, पैर है पूरा और जो आपका हाथ है ये आपके टारगेट की तरफ जाए। फ्रंट आर्म और फ्रंट लेग के बाद में आपको अगली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो आपका थ्रोइंग आर्म है ये किस पोजिशन में होना चाहिए। अगर थ्रोइंग आर्म की मैं बात करूँ तो जब आपने पोजिशन ले ली थ्रो करने की, तो जब आप हाथ खोलेंगे तो जो आपका जो एल्बो है ये शोल्डर लेवल या हल्का उससे ऊपर रह सकता है, यानी जब आप आएंगे तो ये आपका इस पोजीशन में होगा। अभी आप देखोगे तो मेरा ये शोल्डर है और मेरी ये एल्बो है, ये एक सेम लेवल में है, तो इससे क्या आपका हाई एम होगा और बेस्ट आपको चांस मिलेगा फोर्स लगाने का। अगर यहाँ पर रखूँगा तो वो फोर्स नहीं लगा पाऊंगा और इंजरी अलग होगी मेरे को, तो हमेशा एल्बो को आपको शोल्डर लेवल पर लेके आना है। इसके साथ में अगर सामने से दिखाऊँ, आपने आया पोजिशन ली एंड आपकी जो एल्बो है ये शोल्डर लेवल पर आएगी। इसके साथ में थ्रोइंग आर्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका रिस्ट पोजिशन है, ये कभी भी जब आप थ्रो करने जाओगे, अगर मैं थ्रो करूँ तो मैं जब एल्बो को खोलूंगा तो मेरा जो बैक ऑफ द रिस्ट है ये जहाँ पे आपको थ्रो करना है उस तरफ दिखना चाहिए, मतलब अगर मेरे को सामने थ्रो करना है तो मेरा जो बैक ऑफ द रिस्ट है ये इस तरीके से रहेगा। आप देखोगे तो मेरा रिस्ट अभी इस तरफ है और पाम मेरा अपोजिट साइड में। जब मैं ऐसे इस पोजिशन में आऊँगा तो जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो रोटेट होकर आप इस पोजिशन में आ जाओगे थ्रो करने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप यहीं से ऐसे सीधा रखोगे तो आप थ्रो नहीं कर पाओगे, अच्छे पावर नहीं लग पाएगी, शोल्डर में इंजरी होने का फिर से चांस बनेंगे। तो हमेशा आपको एल्बो ऊपर और जो आपका जैसे आप लेग स्पिन करते हैं लेग स्पिन में ये आता है तो वो चीज़ करनी है। तो आप इसमें क्या ध्यान रखोगे, आपका आपने क्रॉसिंग से बॉल ग्रिप करी आए एंड ये आपका हाथ जा रहा है एंड यहाँ से इस पोजीशन में आओगे। ये अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं, आपने बॉल रिसीव करा थ्रो पोजीशन में आए यहाँ से ये इस पोजीशन में आपको रहना है, ये आपको एल्बोस के शोल्डर लेवल पर रहे और आपका रिस्ट जो बैक ऑफ द रिस्ट है वो जहाँ पे आपको थ्रो करना है उस डायरेक्शन में रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्या आपको जब आप आओगे तो आपको जो रिस्ट की पावर होती है, जो आपने अच्छे बॉलर्स को देखो जो रिस्ट लगाते हैं एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, तो ये थ्रो में आपको एक्स्ट्रा पेस देने में मदद करता है। जब आप आओगे तो रिस्ट लगेगी साथ में बॉल के, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ में अब आपने क्या करा, आपने एक अच्छा बेस बना लिया, टारगेट पे एम कर लिया और थ्रोइंग आर्म आपका लोड हो चुका है। अब इसके बाद आपको थ्रो करना है पावर के साथ में, तो इसमें आपका जो फ्रंट आर्म है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जितना जल्दी से आप अपनी तरफ पुल कर लोगे तो उतना आपका ये चीज़ तेज आएगा। ये इसके साथ में आपका पीछे वाला पार्ट आगे आएगा ये, और थ्रो के साथ में फॉलो थ्रू और जो आपका पैर है अगेन टुवर्ड्स टारगेट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्रो करने के अंदर कि जब आप थ्रो करें, आपने एम करा थ्रो करा एंड आपका जो अगला पैर है टुवर्ड्स टारगेट जाए, तो इससे क्या एक्यूरेट थ्रो होगा। तो ये सारी बातें आपको जब आपको थ्रो करनी है जरूर ध्यान रखनी है। अगर आपको ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस में ले आओगे, अपनी हैबिट में ले आओगे, इसकी आप जरूर शेडो प्रैक्टिस करें या फिर सिंपल आप एक ड्रिल कर सकते हैं। एक सामने विकेट लगा लीजिए, बॉल आपकी पड़ी है, आप कुछ नहीं करना, आपको आना है बॉल को उठाना है एंड एम करके थ्रो करना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई। बहुत ज़्यादा आपको
थ्रोइंग में आपको मदद मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे तो एक अच्छा पावरफुल थ्रो जाएगा, एक्यूरेट थ्रो जाएगा और आपको इंजरी नहीं होगी। ज़रूर टैग करें अपने फ्रेंड्स को जिनको ये सारी वीडियोस चाहिए हो, या फिर उनको आप समझते हो अच्छे फील्डर है, उनको थ्रोइंग अपनी इंप्रूव करनी है जिससे कि उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।